of yoga. So all the students have assembled here. They are chanting Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. But now I am going to teach them some kind of asana. In this session I am going to teach them three asana. That is basically Vrikshasana, Tarasana and Virbhadrasana. Shanti, Shanti, bachon, shant ho jaiye. Now I request this great man to focus the camera on me and I am going to demonstrate them exactly the three asana. Ab dekhiye pura babu subah se upar dekh lijiye pair lana chahiye acha so we will hum log aise khade ho jayenge saans lete hue haath upar uthayenge fir aisa palat denge haath ko fir yahan haath le aayenge aur isko palatte hue changul par khade ho jayenge इसको हम बोलते हैं तारासन. क्या बोलते हैं? तारासन. इसमें आपके शरीर के जितने भी सिस्टम हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच हो रहे हैं और इसे आप देखेंगे और ये इस स्थिति में हम लोग इस मुद्रा में हम लोग लगभग रहेंगे 5-6 बार गहरी सांस लेंगे. गहरी सांस लो बेटी. धन्यवाद. रिलैक्स हो जाइए. सांस छोड़ते हुए यहाँ आ जाइए. अब हमारे कैमरामैन महोदय, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वृक्षासन. पहला था क्या था बेटा? तारासन. वृक्षासन में क्या होता है, हम लोग अपने थोड़ा सहारा ले लीजिए. जो लोग इम्बैलेंस हो रहे हैं ये पैर को जितना हो सके यहाँ लगाएंगे और इससे हमारे पैर बहुत मजबूत होते हैं, पूरा शरीर का संतुलन बन जाता है. और हाथ ऐसे करेंगे और यहाँ कर लेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं वृक्षासन. वृक्षासन. सांस लेते रहेंगे, फिर 5 बार गहरी सांस लेते रहिए. कैमरामैन हमारे बच्चों पर ही फोकस करिए. हमारे फोकसिंग के बाद इन बच्चों पर ही फोकस करिए. लड़की बहुत अच्छा कर रही है, इस पर फोकस करिए. बहुत अच्छा बेटी, कमाल कर रहे हो. बेटा कमाल कर रहे हो. अनुरोध कमाल कर रहे हो. वेरी गुड. इसको हम बोलते क्या बोलते हैं? वृक्षासन. अब देखिए अभ्यास से इसमें पूर्णता आएगी. करत करत अभ्यास के जर्मत हो सुजान. तो नित्य प्रति अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. अब तीसरा जो इस श्रृंखला में सिखा रहा हूँ इनको, वो सिखा रहा हूँ वीरभद्रासन. तो वीरभद्रासन करने के लिए आप लोग ऐसे खड़े हो जाइए बिल्कुल और थोड़ा जंप लगाइए. कैमरामैन दूसरे फोकस करिए. वीरभद्रासन का जो हम दिखा रहे हैं उदाहरण आपको, तो थोड़ा सा जंप मारिए. अब इस पैर को इस लाइन के पैरेलल करिए और इसको परपेंडिकुलर कर दीजिए और पूरी हाथ ऐसे रखिए. देखने ही लगता है कि आप बहुत बड़े वीर महापुरुष हैं. और इसके बाद क्या करिए, एकदम सामने देखते हुए धीरे धीरे दूसरे पैर को मोड़ते चले जाइए और तब तक मोड़िए जब तक कि आपका जो जांघा है ना ये धरातल के पैरेलल नहीं हो जाए, समानांतर नहीं हो जाए. इसको ऐसे देख सकते हैं और बिल्कुल ऐसे रहेंगे. पूरा दिखाओ बाबू सीआर साहब, हर एंगल से दिखाइए और देखिए इससे क्या होगा, आपके पूरे पैर हाथ मजबूत हो जाएंगे. इस बेटी पर फोकस करो, अच्छा कर रही है. देखो आज विश्वास जोड़ी है कितना अच्छा कर रही है और बालक भी अच्छा कर रहे हैं, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं. अब इसको रिवर्स कर दीजिए. फोकस करिए कैमरामैन, ये रिवर्स कर दीजिए और सांस लीजिए. 5 सांस लीजिए गहरी. और जब सांस लेते हैं तो सोचिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति मुझ में आ रही है. क्या सोचेंगे? वो शक्ति क्या है? सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा. क्या है वो? सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा. और जब सांस छोड़ते हैं तो सोचेंगे जितने भी दुर्विचार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह हमसे दूर जा रहे हैं. अब इसका एक वीरासन ऐसे होता है, थोड़ा ऐसा कर लीजिए. इसको हम वीरासन बोलते हैं. अब देखिए आपकी सारी मांसपेशियां तनाव पूर्ण हो रहे हैं और आपको मजबूती आ रही है. दूसरे हाथ कर लीजिए. अब इससे सिर्फ आश्रम आ जाएगी. अब मैं आपको कोणासन भी दिखा दे रहा हूँ लेकिन आपको जाने का समय और ऐसे जल्दी करेंगे, लास्ट है ये. कोणासन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जंप मारेंगे, सांस लेते हुए हाथ फैलाएंगे. अब देखिए पहले फोकस करिए मुझ पर और बिना हाथ को टेढ़ा किए हुए हम केवल कमर से मुड़ना शुरू करें. पहले देख लीजिए, करते रहिए, करते रहिए, देखते रहिए. और इसके बाद हम सीधे मुड़ के यहाँ तक आ गए और तलहटी को देखिए.
तलहत को देखिए नजर से और इसको रिवर्स कर लेंगे धीरे से। तलहत को देखते रहना और ये पैर पे बिल्कुल सीधा रहना है। तलहत को देखते हुए यहाँ आचरे इसको कोणासन बोलते हैं। तो विश्राम आ जाइए, टाइम कम है, अब बैठ जाइए चेंटिंग करके। और प्यारे दोस्तों, हमारे कैमरामैन इस ग्रुप के, इस बैच के, इस बैच के सीआर हैं और इन्होंने बहुत ही हेल्प किया है, इसका धन्यवाद करता हूँ। और अभी हम लोग थोड़ा ओम का चेंटिंग करके बंद करेंगे। तो योग विद्या का क्या मतलब बता दिया आपको, योग का मतलब है जुड़ना। योग का क्या मतलब है बेटी, सीधा बैठिए, मेरुदंड सीधा करके बैठिए जैसे वो बालक बैठे। हाँ, बहुत कमाल कर रही हैं आप, सोच के काम करिए ना, कितना अच्छा कर रहे हैं। देखो बालक अच्छा बैठे हो, कभी मेरुदंड टेढ़ा नहीं होनी चाहिए। तो योग विद्या का मतलब क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, क्या है, आत्म सर्वभूतेषु। इसीलिए हम हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आंख बंद कर लीजिए और यहाँ भगवान का ध्यान करिए। जो मुसलमान भाई हैं अल्लाह का ध्यान करिए, बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी खुशहाल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु,